को चुनावी नतीजे सामने आ जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की हार से इससे पहले की पार्टी उभरती एक के बाद एक बड़े झटके इस पार्टी को लगते गए। पहला झटका राहुल गांधी के इस्तीफे का ऐलान, दूसरा झटका राजस्थान की सियासत में पैदा हुई गर्माहट और तीसरा झटका मध्य प्रदेश में सरकार गिरने का डर। ये बात तो आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की गिर सकती है क्योंकि विधायक यहां पर बागी होने लगे हैं। इस तरह की तमाम खबरें लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आ जाने के बाद जोर पकड़ रही हैं और अब इन सबके बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली दौरे पर आए जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जीत के लिए उन्हें बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कमलनाथ की मुलाकात जल्द होने वाली है और इस तरह की तमाम खबरों के बीच में यहां पर कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को लिया है आड़े हाथों और उन्हें आड़े हाथों लेकर भारतीय जनता पार्टी पर किया है वार, भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं सवाल। कमलनाथ जो कहते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं गिरेगी, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी रहेगी, वो अपने विधायकों को बागी नहीं होने देंगे। यहां पर जो हैं कमलनाथ वो कहते हैं अपनी मीटिंग में कि ये वक्त एकजुट होकर रहने का है। कमलनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुलाकात जो हुई है, उस मुलाकात से लेकर जो राहुल गांधी के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है इन 3 दिनों के अंतराल में, उन 3 दिनों के अंतराल में जब मीटिंग होगी तो राहुल गांधी के साथ किन मुद्दों पर कमलनाथ चर्चे करने वाले हैं और इन चर्चों के बाद क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है यहाँ कमलनाथ ने, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कमलनाथ जो हैं वो सरकार गिरने से पहले इस्तीफा दे देंगे, इस तरह की तमाम खबरों ने जोर पकड़ा। कहा जा रहा था CWC की बैठक में कमलनाथ के इस्तीफे की भी पेशकश हो सकती थी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस्तीफे की तमाम खबरें बीते हुए समय के साथ अफवाह बनकर कहीं खोसी गई हैं, लेकिन इन सबके बीच कमलनाथ का गुस्सा फूटा। पीएम मोदी से मुलाकात और राहुल गांधी के साथ मीटिंग करने के लिए कमलनाथ कौन सी तैयारियां करके आए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में कई बड़े बदलाव होते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ये तमाम जानकारियां जानने के लिए आपको नजर डालनी होगी हमारी खास रिपोर्ट पर, देखिए जरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। खबर आ रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है और अब इन सबके बीच में कमलनाथ ने बीते कल बिजली कटौती को लेकर एक मुद्दा उठाया और इन सबके बीच में दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर कमलनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी, ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। मोदी कैबिनेट के शपथ समारोह में कमलनाथ शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद वो प्रदेश के विकास के कामों में काफी व्यस्त हैं, इसलिए कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हालांकि इसके बाद आज समय निकालकर पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए कमलनाथ पहुंचे और उन्होंने मोदी जी को बधाई दी। बता दें आपको 3 दिन के दौरे पर यहाँ कमलनाथ आए हैं दिल्ली, 3 दिन तक वो दिल्ली में ही रहने वाले हैं और 3 दिन के दिल्ली दौरे में वो बहुत जल्द कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात करने वाले हैं। इन सबसे हटकर आपको बता दें एक तरफ कमलनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ ने सरकार को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ रही है, बिजली की कटौती हो रही है जो गंभीर समस्या बनती जा रही है। इस पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देकर इस समस्या के लिए पूर्ववर्ती बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। विज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं अभी पिछले कुछ दिनों से सामने आई बिजली की समस्या के पीछे बिजली की कमी कारण नहीं है, बल्कि सालों से व्यवस्था में सुधार नहीं करना और उपभोक्ताओं तक सतत पूर्ति में मानव जनित बाधाएं उत्पन्न करना है। तत्कालीन रूप से पैदा की गई समस्या का निदान आने वाले दिनों में शीघ्र हो जाएगा, जबकि व्यवस्थागत समस्याओं के समाधान में थोड़ा यहाँ पर वक्त लग सकता है। बता दें आपको इसके साथ ही कमलनाथ सरकार ने भरोसा देते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली संकट नहीं है, शिवराज सरकार के दौरान लाइन की मेंटेनेंस नहीं हुई जिसकी वजह से बार बार बत्ती जा रही है। कमलनाथ ने यहां पर उन तमाम तरह की अफवाहों से सावधान रहने के लिए कहा जो मध्य प्रदेश में बिजली की समस्याओं को लेकर लगातार सोशल मीडिया के जरिए जनता के सामने आ रही है।
बता दें आपको, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही थी और इन्हीं खबरों पर कमलनाथ के इस्तीफे को लेकर भी खबरों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस्तीफे के बीच कमलनाथ ने फैसला सुनाया कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती, कुछ परेशानियां हैं लेकिन वो अपनी सरकार को बिखरने नहीं देंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से चर्चा करने वाले हैं। कमलनाथ अपने साथ चुनावी हार की रिपोर्ट लेकर आए हैं। मिली जानकारी की माने तो वो हार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। संगठन में बदलाव के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होगी जब वो राहुल गांधी से मिलेंगे। 7 जून को वापस भोपाल कमलनाथ रवाना होने वाले हैं, तो 7 जून से पहले ही वो यहाँ पर कई तरह की बातें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ डिस्कस करेंगे।